एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में निकोल्स एंड निकोल्स मॉडल ऑफ करिकुलम से। 1972 का ये मॉडल है। क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं, फीचर्स क्या क्या हैं, मेन मेन चीज़ें जो जो हैं वो सारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ऑड्री एंड हॉवर्ड निकोल्स इन हिज बुक डेवलपिंग अ करिकुलर प्रैक्टिकल गाइड, तो उन लोगों की एक बुक थी जिसमें उन्होंने क्या किया, प्रपोज किया एंड फॉर्मुलेट किया एक स्ट्रेट फॉरवर्ड साइक्लिकल अप्रोच दैट कवर्ड द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। तो बेसिकली अगर हम बात करें उनका जो पूरी बुक थी, वो जो गाइड थी, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से हम लोग एक अप्रोच कवर कर सकते हैं जिसमें सारे के सारे करिकुलम के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मॉडल जो होता है ना, ये क्या होता है, जो प्रॉपर अगर हम निकोल्स एंड निकोल्स मॉडल की बात करें, लाइक अ मैप। मैप किसके लिए, किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए और लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करता है, उस टाइप का मैप है। जैसे मैप आपको हेल्प करता है कहीं पे पहुंचने में, वैसे अगर पढ़ाने के बारे में बात करें, लर्न करने के बारे में बात करें, तो ये करिकुलम जो आपका मैप होता है, ये मॉडल जो है आपको हेल्प करता है समझने में, पढ़ाई को, टीचिंग को, लर्निंग को। एक साइक्लिकल मॉडल है ना। साइक्लिकल मॉडल क्या होते हैं, एक सिचुएशनल एनालिसिस से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद फाइनली हम लोग आगे कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे सपोज आपने सिचुएशन देखी कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं, ये सिचुएशनल एनालिसिस से आपने स्टार्ट किया साइक्लिकल मॉडल के अंदर, उसके बाद आप आगे देखते हो कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इट इज़ लॉजिकल सिक्वेंशियल मॉडल। द मॉडल स्टार्ट विद अ सिचुएशनल एनालिसिस इन विच सर्कुलर डिसीजंस आर फॉलोड बाय द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द अदर सक्सीडिंग फेजेस। तो लॉजिकल सिक्वेंशियल मॉडल मतलब सिक्वेंस में होगा। अब होगा क्या, सबसे पहले सिचुएशनल एनालिसिस होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कई सारे करिकुलर डिसीजंस को फॉलो करेंगे एंड ऑब्जेक्टिव कि क्या इस मॉडल का ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या अचीव करना है एट द एंड ऑफ द डे। अगर हम बात करते हैं मॉडल की, तो क्या सीखेंगे इससे, क्या अचीव होगा, वो सारी चीज़ें, और आगे के सक्सीडिंग फेजेस, वो सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं। एलिमेंट ऑफ करिकुलम आर इंटरडिपेंडेंट ऑन दिस मोड। यानी यहाँ पे क्या होता है ना, आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है जो एलिमेंट्स हैं करिकुलम के। इंटरडिपेंडेंट मतलब आपस में एक दूसरे के एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। नाउ सबसे पहले तो एक दिन रफ डायग्राम है, मैं बता देती हूँ। आइडेंटिफिकेशन, एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। आपने जो एम्स हैं, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया। आपने उसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या रहेंगे उसको सेलेक्ट किया, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, जो आपका कंटेंट है उसको आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद आप किस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो चाहते हैं, जो चीज़ें आप डालना चाहते हैं, जो कंटेंट है, सबको आपस में मिलाया, ऑर्गेनाइज किया एंड फाइनली इवैल्यूएशन मोस्टली बाद में होता है कि हम देखते हैं कि कैसा चल रहा है। आपने कर दिया सब कुछ, आपने पढ़ा दिया, अब आप बच्चों को इवैल्यूएट करोगे, आप देखोगे कि ये जो मॉडल है, ये जो करिकुलम है, ये क्या सही तरह से फॉलो हो रहा है, क्या लूप होल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब आपकी इवैल्यूएशन में आ गई। सो द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस बिगिन विद द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है किसके साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ। ही बिलीव्स दैट द मेन सोर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव शुड कम फ्रॉम द स्टडी ऑफ द लोकल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द पीपल्स होम विच माइट गिव द टीचर फर्दर आइडिया फॉर पॉसिबल ऑब्जेक्टिव। उनके अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, जैसे सपोज आप कोई चीज़ करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप ये दिखाना चाहते हो, तो आपके इस मॉडल का, इस करिकुलम का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी कोई अगर सोचना चाहता है ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो वो कहाँ से आना चाहिए, लोकल इन्वायरमेंट से, बच्चे के घरों से, टीचर को वहाँ से काफ़ी आइडिया मिल सकता है। ठीक है, निकोल्स डिस्क्राइब कंटेंट एज द नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यूज टू बी लर्न। निकोल ने क्या किया, कंटेंट एज द नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज टू बी लर्न। तो हम जब कंटेंट की बात करते हैं, हम कंटेंट डालेंगे, क्या डालेंगे, बेसिकली वो नॉलेज, वो स्किल्स, किस तरह का बच्चे का एटीट्यूड होगा, क्या वैल्यूज बच्चा सीखेगा, कितनी सारी चीज़ें वो सीखेगा, वो सब कुछ कंटेंट में आता है करिकुलम के। द मेथड एस्पेक्ट ऑफ द लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व्स द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, टीचर्स एंड द मटेरियल, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, इट्स मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन टू पीपल्स एंड द एक्टिविटी द पीपल एंड टीचर कैरी आउट। तो अगर हम बात करें लर्निंग कैसी होगी, बहुत सारी चीज़ों के मिलने से होगी, कैसे टीचर भी परफॉर्म करेगा, प्यूपिल भी परफॉर्म करेगा, मटेरियलिस्टिक थिंग चीज़ जो है, इनके बीच में आपस में जो इंटर रिलेशन है, जो एक्टिविटीज़ ये कैरी आउट कर रहे हैं, इन सब के बेसिस पे उन्होंने समझाया कि हम कैसे समझेंगे कि कोई भी चीज़ काम कर रही है और किस तरह से एक्चुअली लर्निंग होगी। इवेल्युएशन में निकोल ने सजेस्ट किया, The teacher are concerned about their pupils' progress towards a wide range of objective, but the result of this is that assessment should be as wide as its scope as is the range of the objective.
यानी कि हम बोलते हैं कि टीचर्स को हमेशा ये रहता है, वो कंसर्न रहते हैं कि बच्चे की प्रोग्रेस कितनी हो रही है, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं सपोज करिकुलम के, तो बच्चे की प्रोग्रेस हम इन सब एरियाज में देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो इवैल्यूएशन है या जो असेसमेंट है वो भी उतना ही वाइड होना चाहिए, वो छोटा सा नहीं होना चाहिए कि एक टेस्ट हो गया निपट गया, नहीं, इवैल्यूएशन के भी बहुत ज्यादा वाइड तरीके से होना चाहिए, काफी सारी चीजें होनी चाहिए जो इवैल्यूएशन में हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, निकोल्स एंड निकोल्स ऑल्सो डेवलप्ड अ मोड विद फाइव फेजेस लाइक व्हीलर्स, स्टार्टिंग विद सिचुएशन एंड एंडिंग विद इवैल्यूएशन। तो जैसे व्हीलर्स मॉडल में था, यहाँ पे भी उन्होंने सिचुएशन एनालिसिस से स्टार्ट किया, ऑब्जेक्टिव ढूंढना, कंटेंट किस तरह से उसको करेंगे, एंड फाइनली इवैल्यूएशन, इस पे उन्होंने एंड किया। नाउ सिचुएशनल एनालिसिस में क्या होता है ना, आप नॉलेज इकट्ठी करोगे, आप अपने आसपास जहां पे आप करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने वाले हो उन बच्चों के बारे में, जो सोशल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का उसके बारे में, जो नीड्स हैं, ट्रेडिशंस हैं सोसाइटी के, कम्युनिटी के, उसके बारे में, ये सारी चीज़ों को आप देखोगे। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव जो होने चाहिए रियलिस्टिक होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए जो अचीव ना हो पाए, दिस शुड बी वेरी रियलिस्टिक। ठीक है, और आपके जो ऑब्जेक्टिव है छोटे से लिमिटेड नहीं होने चाहिए, दिस शुड बी वेरी ब्रॉड, काफ़ी फैले हुए होने चाहिए, काफ़ी कुछ उससे सीखने को मिले। ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, यूजफुल होने चाहिए। ठीक है, वेरी क्लियर, वेरी यूजफुल। ऑब्जेक्टिव शुड एनेबल स्टूडेंट टू परफॉर्म स्किल्स, ऑब्जेक्टिव की वजह से स्टूडेंट्स फाइनली वो स्किल्स को परफॉर्म कर पाए, ये बात का ध्यान रखना है। सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, जो कंटेंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, क्या क्या बातें उस केस में हमको याद रखनी है। जो कंटेंट है वो सीक्वेंस में होना चाहिए, ऐसी रैंडमली कुछ भी रखा हो ये नहीं होना चाहिए। कंटेंट वैलिड होना चाहिए और उस पर भरोसा किया जा सके, उस पर रिलाय कर सके, इस बात का ध्यान रखना है। वैलिड मतलब सही होना चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। जो कंटेंट है वो जो आज की सोसाइटी की नीड है उसको फुलफिल करे, तो बच्चा जब उसको सीख रहा है, पढ़ रहा है, तो उसको पता चलेगा कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। ईजी टू डिफिकल्ट होना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट, बहुत ईजी, ऐसा नहीं, ईजी भी हो डिफिकल्ट भी हो सब कुछ होना चाहिए। एंड जो कंटेंट है वो बच्चों की मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी छोटे बच्चे को बहुत हार्ड क्वेश्चन या बहुत बड़े बच्चे को बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया, नहीं। एज इक्विवेलेंट में भी सेम बात आ गई कि आप एज के अकॉर्डिंग कंटेंट को देखोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनाइज करोगे। नाउ मेथड्स, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ करिकुलम मटेरियल टू बी प्रेजेंटेड टू द लर्नर। आप प्रॉपरली जो भी मटेरियल्स आप प्रेजेंट करने वाले हो लर्नर को, प्रॉपर जो भी अरेंजमेंट है करिकुलम मटेरियल का ढंग से करोगे आप। ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपको लर्नर्स को ये सब चीजें पेश करनी है, तो इट शुड बी वेरी यू नो इन अ प्रॉपर वे। ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड सिक्वेंसिंग, इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी एंड स्कोप। आप क्या करोगे, आप देखोगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम करते हैं, कोई भी चीज़ हम करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप देखोगे कि एक अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं क्या क्या होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे चीज़ों को सिक्वेंस करना, आपस में मिलाना, कंटिन्यू करना, स्कोप देखना कि क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ों को हम इन सब के प्रिंसिपल को ऑब्जर्व करेंगे। हम लोगों की लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करेंगे, समझेंगे कि क्या है, मतलब क्या नीड है, क्या लर्निंग एक्सपीरियंस है, उन सब चीज़ों को हम लोग इकट्ठा मिलाएंगे। नाउ अब लास्ट जो है दैट इज हम लोग इवैल्यूएट करेंगे होल प्रोसेस को, क्योंकि आपने कोई चीज़ कर दी दैट इज नॉट द एंड। आप उसको जब इवैल्यूएट करते हो तो आप समझ पाते हो कि एक्चुअली हो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवांटेजेस क्या है निकोलस के मॉडल के। निकोलस मॉडल shows curriculum development as a continuous process and therefore as something that should not be stable. तो कुछ ऐसा कुछ fix है, उनका model fix नहीं है, it is a continuous process which will keep on going. He also provided teacher with a wide range of objective which are very well expressed. उन्होंने क्या किया, teachers को बहुत सारे objectives के साथ you know present किया, तो वो काफ़ी अच्छे से express किए थे जो objective हैं, आप जो भी achieve करना चाहते हो बहुत अच्छे से express करिए, plus बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देना, एक आदमी दिक्कत हो जाती है, बहुत वाइड रेंज में अगर आप ऑब्जेक्टिव देते हो तो बहुत कुछ होता है अचीव करने के लिए। द प्रोपोनेंट ऑफ द मॉडल सजेस्ट दैट ऑब्जेक्टिव शुड बी यूज टू प्लान द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द पीपल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स को यूज करके क्या क्या बच्चा सीख सकता है, उसकी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। इन दिस मॉडल सिचुएशन एनालिसिस इज मच फोकस बिकॉज इट इज दिस सिचुएशन एनालिसिस दैट गिव द लीड टू ऑब्जेक्टिव दैट शुड बी फोकस्ड ऑन। सिचुएशन एनालिसिस अगेन, अगर बच्चा है तो उसके इन्वायरमेंट कैसा है, उसके आसपास की चीज़ें कैसी हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं, तो सिचुएशन एनालिसिस पे आप इसलिए ध्यान दोगे क्योंकि उससे आपको पता चलता है ऑब्जेक्टिव्स कैसे कैसे अचीव करने हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना है, वो सब चीज़ों को आप देख पाते हो सिचुएशन एनालिसिस में।
डिसएडवांटेजेस क्या हैं? बहुत टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि सिचुएशन एनालिसिस, ग्राउंड वर्क, हर चीज में बहुत टाइम लगता है. एंड बहुत ये इजी नहीं है, कहना आसान है बट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो रोकते हैं चीज़ों को, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो सपोर्ट करते हैं बट पूरे नहीं होते हैं. सो डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं बट यस, एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं. ठीक है, सो आई थिंक दैट वॉज इट फॉर द निकोलस एंड निकोलस मॉडल. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा और प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा. प्लेलिस्ट में मैंने बीएड के बहुत सारे सब्जेक्ट, एमएड के बहुत सारे सब्जेक्ट, सीटेट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स सबको कवर किया है. ये सारे आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट और वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा. तो आपको वो वेबसाइट पे काफ़ी सारे नोट्स, वो अभी प्रोग्रेस में है तो काफ़ी सारे नोट्स, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट भी मिलेगा. एंड आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे. अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कोई और वीडियो आप देखना चाहते हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो.